स्वागत है आपका आई टुडे न्यूज में। स्वतंत्रता के पहले सेनानी टीपू सुल्तान थे, इसके साथ ही वे एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और मैसूर के शेर के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह बात कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मोमिन ने कही। रविवार को शहर इंडी के टीपू सुल्तान सर्कल में यूथ कवरेज एसोसिएशन के तत्वाधान में टीपू सुल्तान की 274वीं जयंती के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में उन्होंने यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान को किसी धर्म के आधार पर देखकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी मतभेद हो, उन्हें दरकिनार कर उनके व्यक्तित्व, त्याग और बलिदान को याद करना चाहिए। टीपू सुल्तान एक ऐसे वीर थे जिन्होंने देश के लिए अपने बच्चों को अंग्रेजों के हाथों में गिरवी रख दिया और संघर्ष किया। ऐसे वीर सेनानी की जयंती मनाना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सांप्रदायिक भाजपा सरकार टीपू सुल्तान की देशभक्ति को छिपाने का प्रयास कर रही है, जो निंदनीय है। टीपू सुल्तान की सौहार्दपूर्ण शासन शैली और बहादुरी हमेशा अमर रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा। शांति समाज सेवा संघ के अध्यक्ष अयूब नाटीकर ने कहा, हम सबके लिए गर्व की बात यह है कि टीपू सुल्तान कर्नाटक के हैं और कन्नड़ से हैं। लेकिन उनकी देन केवल कर्नाटक या कन्नड़ तक सीमित नहीं है। ब्रिटिश उनसे खौफ खाते थे, वे देश के एकमात्र राजा थे जिनसे ब्रिटिश डरते थे। उन्होंने कन्नड़ भूमि पर जन्म लिया और इसी भूमि पर अपने खून का बलिदान दिया। चाहे अंग्रेजों ने कितनी भी कोशिश की, लेकिन टीपू सुल्तान को डरा नहीं पाए। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष लिंबाजी राठौड़, मौलाना सद्दाम और अन्य ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल रहमान, यूथ कवरेज के अध्यक्ष जाकिर मलघान, उपाध्यक्ष मौलाना समीरा, सचिव मुजम्मिल बागवान, अंजुमन के अध्यक्ष मुन्ना बागवान, नगर परिषद के सदस्य सुधीर करकट्टी, अयूब बागवान, इस्माइल अरब, इलियास माणिक, पत्रकार फैयाज अहमद बागवान, फारूक बिस्नाल, शौकत खाजी, एजाज मुंशी, मुस्फर बागवान, वसीम खाजी, निसार बल्लारी, दाऊद शेख आदि उपस्थित थे। अल्लाह ऐसे ही लोगों की खिदमत अंजाम देने के लिए हम सबको कोशिश करता है।